शराब की दुकान के अंदर मिला सेल्समैन का खून से लथपथ शव। क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। पिता ने लगाया हत्या का आरोप। पिता ने बताया मृतक सर्वेश कुमार जायसवाल निवासी परही रायपुर 14 साल की सजा काट के आया था कत्ल के सिलसिले में। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। थाना रामकोट इलाके के हबीबपुर का मामला था। मर्डर हुआ था जी। मर्डर में इनको नामजद किया था। अच्छा, नामजद किया था तो ये जेल चले गए, 14 साल बाद आए थे। आपको कैसे मालूम है घटना हुई है? घटना यहाँ हम देखा, सब खून से लथपथ। अच्छा, सब पड़ा है बिस्तर। तो मौके पर पुलिस आई थी? हाँ। क्या क्या बताया पुलिस ने? उसने बताया है वहाँ चौकी आई है जी। हाँ, और उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका कौन था वो लड़का? लड़का था। तो कैसे पता चला? यहाँ वही तो खोलने आता होगा दुकान डेली। वो यही हाँ, रुकते थे। यही रुकते थे रात दुकान के अंदर ही। 24 घंटे ड्यूटी करते थे। तो आज आपने दुकान खोली क्या? नहीं, नहीं। किसने? बाहर से दमाद उनका यहाँ आके बाहर से शटर बंद था। दमाद खोले थे शटर। शटर में क्या ताला लगा था? ताला बाहर से नहीं लगा रहा, ऐसे फंसी थी, हल्का फांसे। काहे से मारा? अब ये वहाँ पर तो पता नहीं। अब वहाँ सब खून से लथपथ है, रुपए पैसे और गत्ता सब भीजा पड़ा हुआ खून से। क्या नाम था मृतक का? सर्वेश कुमार जायसवाल। आपका क्या नाम है? रामचंद्र जायसवाल। कहाँ का निवासी है? निवासी इस समय हर गांव में रह रहे हैं, निवासी परी रायपुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।